हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावलों से वेज बिरयानी। तो उसके लिए आपको कुछ वेजिटेबल्स चाहिए जो भी आपके पास हो, और चावल जो आपके बच जाते हैं तो आप फेंकिए मत। तो उसके लिए आप कढ़ाई में तेल डालिए और सबसे पहले उन वेजिटेबल्स को डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने से क्या होता है कि वो पक जाएंगी अच्छी तरह और टेस्टी भी लगेंगी। तो सबसे मैंने पहले डाले हैं आलू। तो जब आलू फ्राई हो जाएं उसके बाद पनीर, शिमला मिर्ची, मटर, प्याज, ये सब आपको डीप फ्राई कर लेने हैं। और डीप फ्राई में ये थोड़ा लाल हो जाएं, अच्छी तरह करारे हो जाएं, तभी आप इनको निकालिए। ये आप बचे हुए चावल में भी बना सकते हैं, और फ्रेश चावल आप बासमती राइस को बॉईल करके रख सकते हैं, उसके बाद भी आप ये बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल होटल जैसी आपकी वेज बिरयानी बन जाएगी। देखिए, आप सबसे पहले सब्जियों को फ्राई कर लीजिए। सब्जियों में आप 4-5 टाइप की सब्जियां लीजिए, तभी आपकी वेज बिरयानी अच्छी बनेगी। सर्दियों में आप गोभी और गाजर भी डाल सकते हैं। मैंने आलू, पनीर, शिमला मिर्ची, मटर और प्याज, टमाटर लिए हैं। साथ में मैंने लिए थोड़ा सा अदरक और लहसुन को बारीक पीसा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वेज बिरयानी ये। और कुछ भी टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ये आपकी वेज बिरयानी रेडी हो जाती है। सब्जियां फ्राई करने से उनका टेस्ट कच्चा नहीं आता और बहुत ही एकदम क्रिस्पी टेस्ट आता है, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये दिन के चावल बचे हुए थे। प्याज को भी आपने ब्राउन कर लेना है। जब लास्ट में तेल आपका बच जाए तो आपने उसमें से एक कड़छी तेल निकाल लेना है, क्योंकि ऑलरेडी तेल फ्राई करने में भी होल लग जाता है काफ़ी। तो उसके बाद आपने जब एक कड़छी ही तेल डालना है इनको तड़का लगाने के लिए, सबसे पहले आपने तेल में जीरा डालना है। जीरे के बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और टमाटर आपने फ्राई नहीं करने, टमाटर आपने तड़के में डालने हैं। 2-3 मिनट में ये टमाटर अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद इसमें आपने डालनी है आधी चम्मच काली मिर्ची, और थोड़ी सी टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ी लाल मिर्ची, धनिया मसाला, चाहे तो आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। मसाला भुन चुका है, अब आप इसमें डीप फ्राई की हुई सब्जियां डाल दो अच्छी तरह मिक्स करने पर। आप इसमें चावल डाल दो। चावल को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है 5 मिनट। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं वेज बिरयानी या वेज पुलाव को। चलिए फ्रेंड्स, आप घर पे बनाइए और मुझे टेस्ट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको इसका टेस्ट। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आपने सर्व भी अच्छी तरह करना है, जैसे आप होटल में देखते हैं कैसे आपको सर्व किया हुआ मिलता है। तो बिल्कुल ये होटल स्टाइल वेज बिरयानी तैयार है। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।